हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्ट ऑफ रियलिटी। इस दुनिया में अनेकों स्तनपाई हैं, लेकिन कुछ स्तनपाई बहुत ही ज्यादा विशालकाय होते हैं। धरती पर सबसे बड़ा स्तनपाई हाथी को माना जाता है। हाथी के बाद यदि कोई सबसे बड़ा स्तनपाई है तो वो है गैंडा। गैंडा अपने गुस्से और आक्रामक स्वभाव के लिए जाना जाता है। गैंडे का शिकार करना तो जंगल के राजा शेर के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि गैंडे की चमड़ी उसके लिए ढाल का काम करती है और वह बहुत ही ज्यादा मोटी होती है। गैंडा यानी राइनो अपने इलाके को लेकर काफी सतर्क होते हैं। इनका शिकार भले ही कोई जानवर नहीं करता हो, लेकिन ये आपस में अपने इलाकों को लेकर जानलेवा लड़ाई लड़ते हैं। इस दुनिया में गैंडे यानी राइनो की कुल 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 2 अफ्रीका में और 3 प्रजाति दक्षिण एशिया में पाई जाती है। इनमें से 2 प्रजातियां तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है। उन प्रजातियों का नाम है व्हाइट राइनो और इंडियन राइनो। वैसे तो इन दोनों प्रजातियों का आमना सामना होने की उम्मीद ना के बराबर होती है, क्योंकि व्हाइट राइनो अफ्रीका में पाए जाते हैं और इंडियन राइनो एशिया में होते हैं। यदि इनका सामना कभी हुआ तो कौन जीतेगा, किसकी जीतने की प्रायिकता अधिक होगी, तो हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि किसकी जीत हो सकती है। इंडियन राइनो यानी कि भारतीय गैंडे को एक सिंह वाला गैंडा भी कहा जाता है। ये पूर्वोत्तर भारत के असम और नेपाल की तराई वाले कुछ संरक्षित इलाकों में पाए जाते हैं। ये एशिया में पाए जाने वाले राइनो की सबसे बड़ी प्रजाति है। तो वहीं व्हाइट राइनो अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका में राइनो की 2 प्रजातियां होती हैं। यह उनमें से सबसे बड़ी प्रजाति है। व्हाइट राइनो के 2 सींग होते हैं। आपको बता दें, गैंडे यानी राइनो का सींग अगर कभी लड़ाई में टूट जाता है या किसी और कारण से टूट जाता है तो कुछ समय बाद दूसरा नया सींग उत्पन्न हो जाता है। अब बात करते हैं इनकी कुछ शारीरिक विशेषताओं के बारे में, जो जीत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्हाइट राइनो में मेल का वेट होता है 2300 किलो तक, तो वहीं फीमेल का वेट होता है 1700 किलो तक। तो वहीं इंडियन राइनो में मेल का वेट होता है 2200 किलो तक और फीमेल का वेट होता है 1600 किलो तक। व्हाइट राइनो में मेल की हाइट होती है 1.9 मीटर तक, तो वहीं फीमेल की हाइट होती है 1.8 मीटर तक। तो वहीं इंडियन राइनो में मेल की हाइट होती है 1.9 मीटर तक और फीमेल की हाइट होती है 1.7 मीटर तक। अब बात करते हैं इनकी लंबाई के बारे में। व्हाइट राइनो की लंबाई मेल में 4 मीटर तक हो सकती है, तो वहीं फीमेल की लंबाई भी 3.6 मीटर तक होती है। तो वहीं इंडियन राइनो में मेल की लंबाई होती है 3.8 मीटर तक और फीमेल की लंबाई होती है 3.4 मीटर तक। गैंडा भले ही एक वजनी जानवर हो, लेकिन गैंडे की स्पीड कम नहीं है कुछ। गैंडे की स्पीड में व्हाइट राइनो की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वहीं इंडियन राइनो की स्पीड है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इनकी मैक्सिमम स्पीड नापी गई है। व्हाइट राइनो का जीवन काल होता है लगभग 50 वर्ष तक, तो वहीं इंडियन राइनो का जीवन काल भी लगभग 45 वर्ष तक होता है। व्हाइट राइनो के सिंह की मैक्सिमम लंबाई सुनकर तो आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि व्हाइट राइनो के सिंह की मैक्सिमम लंबाई जो रिकॉर्डेड है वह है 150 सेंटीमीटर तक। तो वहीं इंडियन राइनो के सिंह की भी मैक्सिमम लंबाई जो रिकॉर्डेड है वह है 57 सेंटीमीटर तक। राइनो की ये दोनों ही प्रजाति काफी ज्यादा ताकतवर है। यदि व्हाइट राइनो और इंडियन राइनो का सामना हुआ तो यह नजारा काफी ज्यादा दिलकश होगा और रोमांचक होगा, लेकिन जीतने की संभावना ही व्हाइट राइनो के पक्ष में अधिक होती है, क्योंकि व्हाइट राइनो इंडियन राइनो की तुलना में अधिक वजनी है और उसके 2 सींग भी हैं। यदि व्हाइट राइनो और इंडियन राइनो की लड़ाई के दौरान यदि एक एक सींग टूट भी जाता है तो व्हाइट राइनो के पास एक और छोटा सींग बचेगा, जो इंडियन राइनो को गंभीर रूप से घायल करने के लिए काफी है। साथ ही देखा जाए तो व्हाइट राइनो अफ्रीका के सवाना के मैदानों में रहते हैं, जहां पर कई खतरनाक परभक्षी जानवर रहते हैं और इनका रोज ऐसे जानवरों से सामना भी होता है। इस तरह देखा जाए तो युद्ध कौशल में व्हाइट राइनो अधिक सक्रिय होगा, लेकिन यदि इनका आमना सामना हुआ तो 60% व्हाइट राइनो के जीतने की संभावना होगी, तो वही 40% इंडियन राइनो के जीतने की संभावना होगी। बाकी तो उस वक्त की स्थिति के ऊपर निर्धारित करता है कि कौन जीतेगा, इसका पक्ष ज्यादा मजबूत होगा, कौन विजेता होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।